हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीवीरा क्लासेस। आई एम निवेदिता जायसवाल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोफेसर डाइसी रूल्स ऑफ लॉ। इसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दोनों में डिफाइन किया गया है। इसे प्रोफेसर डाइसी रूल्स ऑफ लॉ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो प्रोपाउंडर थे, इसके जो प्रमोटर थे, उन्होंने वो डाइसी थे, इसीलिए इसे प्रोफेसर डाइसी रूल्स ऑफ लॉ कहा जाता है। ये इसको विधि का शासन भी कहते हैं हिंदी में। आप इसे नोट आउट कर लेंगे। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाते जाऊंगी कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इन्होंने क्या तीन बातें कही थी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भी लागू होते हैं, क्या क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ा था, एक एक करके मैं डिफाइन करते जाऊंगी। रूल्स ऑफ लॉ मनुष्यों के सिद्धांतों पर नहीं बल्कि विधि के सिद्धांतों पर आधारित है, ऐसा इसमें बताया गया है। इसमें किसी भी व्यक्ति को अवैध कार्यों के लिए क्षमा नहीं किया जा सकता है, वह जनता हो या सरकारी कर्मचारी हो, दोनों ही नियमों के अधीन होंगे। रूल्स ऑफ लॉ बहुत ही पुराना है, इसके प्रमोटर न्यायमूर्ति एडवा पोप को माना जाता है। यहाँ मैंने नोट आउट कर ली हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे। इसके प्रमोटर किसे माना जाता है? एडवर्ड पोप को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि राजा को ईश्वर और विधि के अधीन होना चाहिए। इस तरह पोप ने लॉ का समर्थन किया था। एडवर्ड पोप ने सबसे पहले लॉ का समर्थन किया था। इसके बाद आगे चलकर प्रोफेसर डाइसी ने विधि की शासन की नींव रखी। रूल्स ऑफ लॉ का उन्होंने वास्तविक अर्थ बताया कि विवेक की अनुपस्थिति, यहाँ पर विवेक काम नहीं करता है, यहाँ पर लॉ सुप्रीमेसी होती है, यही चीज प्रोफेसर डाइसी ने बताया था। डाइसी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो सम्राट हो, सामान्य व्यक्ति हो, सामान्य जनता क्यों ना हो, सामान्य विधि द्वारा शासित नियमों के वो अधीन हो गया, सामान्य न्यायालय के अधीन होता है। प्रोफेसर डाइसी ने अपनी बुक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी बुक प्रोफेसर डाइसी की बुक थी द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने सबसे पहले रूल्स ऑफ लॉ को लिखा था, रूल्स ऑफ लॉ के बारे में बताया था। तो जितने भी न्यायमूर्ति थे, जितने भी जस्टिस थे, जितने भी लॉ के समर्थक थे, उनमें तहलका मच गया कि इतनी अच्छी बातें प्रोफेसर डाइसी ने लिखी थी कि हर एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ये मानने के लिए बाध्यकारी बना दिया कि रूल्स ऑफ लॉ में इतनी अच्छी बातें कही गई थी, द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बुक में रूल्स ऑफ लॉ के बारे में इतनी अच्छी बातें कही गई थी जिसे हर कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनाया है। आखिर इसने क्या बातें कही थी, एक एक करके मैं डिफाइन कर जाऊंगी। ओके, यहां पर सबसे फर्स्ट पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, विधि की सर्वोच्चता। सेकंड पॉइंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष जो समानता है उसके बारे में बताया गया है। थर्ड पॉइंट आता है प्रीडोमिनेंस ऑफ कोर्ट, न्यायालयों की संप्रभुता। एक एक जो पॉइंट है उसको डिस्क्राइब करके आगे हम लोग समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, विधि की सर्वोच्चता में यही बात बताया गया है कि प्रोफेसर डाइसी ने कहा है कि रूल्स ऑफ लॉ मनमाने शक्ति के विपरीत है, नियमित विधि की सर्वोच्चता और प्रभुता पर आधारित है। इस विधि के अनुसार सरकार के जो मनमानेपन है या विवेकाधिकार के ऊपर अंकुश लगाकर सामान्य नागरिक के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है और कहता है कि आदर्श समाज में लॉ सुप्रीम है, न कि व्यक्ति। यहाँ पर यही चीज बताया गया है कि जैसे हमारे सरकार के द्वारा कोई भी अगर मनमानी शक्ति कार्य करती है, या हम कह सकते हैं विवेकाधिकार के अनुसार वो लोग कार्य करते हैं और जनता के ऊपर शासन करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर प्रोफेसर डाइसी ने यही कहा है कि लॉ सुप्रीम है न कि व्यक्ति। यहाँ आप नोट आउट कर लेंगे। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफाइन करके बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट लोग, जो कोई कोई हिंदी के स्टूडेंट होते हैं, कोई इंग्लिश के स्टूडेंट होते हैं, तो दोनों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट आउट कर रही हूँ। सेकेंड पॉइंट आता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में भी इसे बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता होना चाहिए। आगे मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पोजीशन के बारे में बताऊंगी, तब आपको डिस्कशन कराऊंगी। यहाँ पर रूल्स ऑफ लॉ में इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में क्या बताया गया है? डाइसी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे सम्राट हो, ऊंचे पद पर स्थित कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, देश के लॉ के अधीन होता है एंड उसे जो देश की कोर्ट के अधीन रहना पड़ता है, चाहे सम्राट हो, ऊंचे पद पर आश्रित व्यक्ति क्यों ना हो, वो लॉ के विवेकाधिकार पर ही कार्य करेगा। इसी आधार पर डाइसी ने फ्रांस के जो प्रशासनिक न्याय पद्धति है उसकी आलोचना की थी, क्योंकि वह विधि की समक्ष समानता को नहीं दर्शाता था, इसीलिए फ्रांस की जो प्रशासनिक न्याय पद्धति की डाइसी ने आलोचना की थी। यहाँ पर विधि के समक्ष समानता, आपने तो समझ गए
कि हर व्यक्ति चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे एक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो तो वो क्या है कि विधि के समक्ष समान रहेगा यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ रहेगा। अब सेकंड जो थर्ड पॉइंट आता है प्रीडोमिनेंस ऑफ कोर्ट न्यायालयों की संप्रभुता के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार प्रोफेसर डाइसी कहते हैं कि सामान्य जन मीन्स हम लोग के अधिकार या किसी संविधान के अंतर्निहित नहीं है कोई भी हम लोग का जो राइट्स होता है। डाइसी नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य के स्रोत को कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, इसका जो सोर्स है वो लॉ होता है, कोर्ट होता है। जैसे कि कोई भी हमारे जो अधिकारों की रक्षा होती है या हम कह सकते हैं कि हम या आप हो गए उसकी राइट्स की रक्षा होती है वो कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है, हमारी कोर्ट करती है। तो इसी को हमारे जो डाइसी रूल्स थे, डाइसी के रूल्स ऑफ लॉ है, उसमें थर्ड जो पॉइंट उन्होंने थर्ड जो कॉन्सेप्ट रखा है कि न्यायालयों की संप्रभुता मायने रखती है, न कि किसी व्यक्ति की या हम कह सकते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की संप्रभुता होती है। यहाँ पर यही बात कहा है कि हम यहाँ पर सुप्रीम जो है, यहाँ पर सुप्रीमेसी जो है कोर्ट है, न कि कोई व्यक्ति या कॉन्स्टिट्यूशन। आपने एक एक पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर बहुत सारी आलोचनाओं को भी झेलना पड़ा था प्रोफेसर डाइसी के रूल्स को। क्या क्या आलोचना है उसको एक एक करके हम लोग जानेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ डाइसी थ्योरी, आलोचना क्या क्या थी? आलोचना यही थी कि जब रूल्स ऑफ लॉ में जब मैंने आपको आगे पढ़ाई उसमें बताया गया था कि हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है। हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, राजा हो, जनता हो, ईश्वर हो, या हम या कोई भी ऊंचे पद पर क्यों ना व्यक्ति विद्यमान हो, तो उसे हम कोई भी जो कोर्ट के द्वारा सजा का प्रावधान किया गया है, समान प्रावधान किया गया है। बट यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया में जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं और जो डिप्लोमेटिक एजेंट होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि राज्यपाल जो होते हैं, उन्हें कोर्ट के जो भी न्यायालयों की जो प्रोसीजर है उसके अंतर्गत नहीं रखी गई है। तो क्या ये हमारी इक्वालिटी बिफोर लॉ है? यहाँ पर तो जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, डिप्लोमेटिक एजेंट हैं, वो सब तो विधि के या हम कह सकते हैं कि जो भी सजा है या हम कोर्ट के जो प्रोसीजर से दूर रहेंगे। तो यहाँ पर जो डाइसी ने प्रतिपादित किया था कि राजा और कोई भी सामान्य जनता है वो विधि के अधीन होता है, तो क्या यहाँ पर विधि के अधीन हुआ? तो ये क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ा था कि राष्ट्रपति है, राज्यपाल हो गए, जो भी तीन चार जो शक्तियाँ वो न्यायालयों के जो भी प्रोसीजर है उससे दूर रहेंगे। तो ये आलोचना को झेलना पड़ा था। अब यहाँ पर बात करते हैं रूल्स ऑफ लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स ऑफ लॉ को कैसे कैसे अपनाया गया था, एक एक केस करके आगे मैं डिस्क्राइब करूंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि रूल्स ऑफ लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, विधि की सर्वोच्चता को तो ऑफकोर्स बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी यही डिफाइन किया गया है कि विधि सर्वोच्च है, लॉ सर्वोच्च है, ना कि कोई भी व्यक्ति। अब सेकंड पॉइंट आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आपको तो पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, यहाँ मैं आपको लिख के बता रही हूँ, यहाँ मैंने जगह इसीलिए छोड़ी हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ। आर्टिकल 14 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में डिफाइन किया गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। कोई भी सामान्य नागरिक हो या हम कह सकते हैं कोई भी ऊंचे पद पर क्यों ना विद्यमान हो, तो उसे आर्टिकल 40 के अंतर्गत समान रखा जाएगा। इक्वालिटी दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी दिया गया है। आप देख लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बुक खोल के देखेंगे तो उसमें आपको बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। तो डाइसी रूल्स ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर लागू होता है। अब जो थर्ड पॉइंट है प्रीडोमिनेंस ऑफ कोर्ट, न्यायालयों की संप्रभुता, न्यायालयों की संप्रभुता है। अगर हमारे अधिकार को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, या हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पर रहते हैं, हमारे बगल में कोई भी एक कारखाना खोलता है, कारखाने के अंतर्गत जो भी धुआं फैल रहा है, तो उससे हम जैसे जनता को तकलीफ हो रही है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पुलिस में कंप्लेन करेंगे? हम एक छोटे व्यक्ति हैं, हम कम आय वाले व्यक्ति हैं, तो क्या हमारी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करेगी? नहीं, क्योंकि वो जो कारखाना का मालिक है वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है जो हमारी बातों को दबा सकता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत ही अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अच्छा आर्टिकल है
कि इसमें कहा गया है कि न्यायालयों की संप्रभुता जब हमारे किसी भी व्यक्ति के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को दबाया जाता है तो रूल्स ऑफ लॉ उसमें लागू किया जाता है. आर्टिकल, यहाँ आप नोट आउट करते जाएंगे, समझते जाएंगे. आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे अगर आपके कोई भी बातों को दबाया जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर जाके आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में वाद दाखिल कर सकते हैं. सीधे आप वहां पर PIL दाखिल कर सकते हैं, रीट दाखिल कर सकते हैं कि आप हमारी आवाज़ को सुनिए और हमारी रक्षा कीजिए. एंड सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के अंतर्गत है हाई कोर्ट में सीधे आप सामान्य जनता जो है सीधे PIL दाखिल कर सकती है या उसके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर कुचला जाता है तो यहाँ पर न्यायालयों की संप्रभुता है. प्रीडोमिनेंस ऑफ कोर्ट के बारे में बताया गया है कि डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं, रीट दाखिल कर सकते हैं. ये चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में आपको तो पता है कि तीन पिलर होती है. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की क्लास मैंने ली थी तो उसमें बताई थी कि तीन पिलर होते हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड जो आपकी कार्यपालिका है उसके बारे में बताई थी, कार्यपालिका, विधायिका एंड न्यायपालिका. यहाँ पर तीनों मिलकर शक्ति का निर्माण करती है, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करती है, एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण करती है. जो सरकार या जनता की जो भी राइट्स होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए हमारी तीनों शक्तियां जो है कार्य करती है. तो यहाँ पर रूल्स ऑफ लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाइसी रूल्स के जो तीनों जो कॉन्सेप्ट बताए थे सारे लागू होते हैं, एक एक करके मैंने बता दी. अब यहाँ पर केस द्वारा समझेंगे कि आखिर केस में आखिर क्या बताया गया है. ओके, हम लोग केस डिस्कस करके जानते हैं कि रूल्स ऑफ लॉ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे शामिल किया गया था, कैसे इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लागू कराया गया था. सबसे फर्स्ट जो केस है, जस्टिस PN भगवती इन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट 1325, इसमें क्या बताया गया था. इस केस में कहा गया था कि रूल्स ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रोम रोम में छाया हुआ है. किसने बताया गया था, इस केस में बताया गया था. इसे नोट आउट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है. अगर आप PCSJ का एग्जाम दे रहे हैं या APO का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें पूछा जा सकता है कि इस केस में क्या डिफाइन किया गया था. तो इसमें कहा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स ऑफ लॉ जो डाइसी रूल बनाया गया था, रूल्स ऑफ लॉ, तो वो रोम रोम में छाया हुआ है. रूल्स ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है. बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में इसमें बताया गया है. बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है. किसमें बताया गया है, आपके इस केस में. अब यहाँ पर सेकंड केस क्या आता है, सेकंड केस है मिसेस इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसे आप नोट आउट कर लेंगे. AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट 2299. इस केस में जस्टिस मैथ्यू ने कहा था कि विश्व में कोई ऐसी सरकार या विधि की पद्धति नहीं है जो विवेकाधीन अधिकारों को स्वीकार न किया हो. यहाँ पर विवेकाधीन अधिकारों को स्वीकार न किया हो, ऐसा इंदिरा गांधी एंड वर्सेस जो राज नारायण जो केस था उसमें यही बताया गया है. विवेकाधीन अधिकारों को एक्सेप्ट न करने के बारे में बताया गया है. ऐसी कोई पद्धति नहीं है जो विवेकाधीन अधिकारों को एक्सेप्ट न करती हो. अब यहाँ पर थर्ड जो केस है, केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 1461, इसमें क्या बताया गया है. केशवानंद भारती बनाम जो हमारे केरला स्टेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था. इसमें बताया गया है कि रूल्स ऑफ लॉ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है. यहाँ पे भी ये भी जो केस था उसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है और इसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया है. केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट, इसमें बताया गया है कि जिसे संसद के संशोधन द्वारा नहीं मिटाया जा सकता. यहाँ पर आपको तो पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के अंतर्गत
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, बट अमेंडमेंट के द्वारा जो डाइसी रूल्स ऑफ लॉ को बनाया गया है इसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये मूलभूत ढांचा है, मूलभूत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत ढांचा कहते हैं, ये मूलभूत ढांचा है जिसे हम आर्टिकल 368 के द्वारा अमेंडमेंट करके भी मिटा नहीं सकते हैं। प्रोफेसर डाइसी ने इतनी अच्छी रूल्स का प्रतिपादन किया था कि जिसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल हैं हम कह सकते हैं कि उसे फॉलो किया जाने लगा, और अन्य स्टेट अन्य देश में भी इसे फॉलो किया जाता है। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं, इतने सारे मैंने टॉपिक को बताई, इस प्रकार हम संक्षेप में यही कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स ऑफ लॉ के तीनों जो सिद्धांत है, तीनों जो थ्योरी है, तीनों जो कॉन्सेप्ट है उसे अपनाया गया है। अब आपने आज आपने समझा कि रूल्स ऑफ लॉ क्या होती है। कल हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।